नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। बुंदेली वार्ता के पास खबर आई निवाड़ी से। निवाड़ी की पुछी करगुआ में स्थित उच्चतर माध्यमिक शाला के एक मास्टर साहब पर आरोप लगे कि उनने बच्चन की पढ़वे वाली किताबन को रद्दी के भाव में बेचता। एक ही कछु तस्वीरें भी बुंदेली वार्ता के पास पहुँची जिनमें पिकअप में भरी कछु किताबें भी नज़र आ रही जो स्कूल परिसर में खड़ी हैं। ये पूरे मामला में जब हमने उतर के प्रिंसिपल नन्हे लाल से बात करी तो बताई गई कि ये किताबें करीब 25 साल पुरानी थी, रद्दी हो चुकी थी, सिलेबस चेंज हो चुको तो जी के बाद चार लोगों की पूरी समिति ने इन्हें बेच भी को निर्णय लाओ तो इस समिति में पुस्तकालय के प्रभारी भी शामिल हते। इसके अलावा स्कूल में तैनात 3 शिक्षक भी शामिल हते। ये पूरी किताबें करीब 22,000 रुपया की बिकी और उन 22,000 रुपया को करीब स्कूल के फंड में जमा करवाता हुआ है। नन्हेलाल मां साहब ने जा भी बताई कि जो स्कूल 1953 में बनो तो कछु साल तक तो पुरानी किताबें नहीं बदली, लेकिन जब पूरी तरीके से सिलेबस चेंज हो गया इसके बाद 25 साल पुरानी जो किताब होते सड़ रही थी और विद्यालय की जगह घेर रही थी। उन्होंने जा भी बताई कि वर्तमान में स्कूल में 1 से 12 तक के बच्चा पढ़ते हैं और करीब इनकी संख्या 800 है। हालाँकि जौन विद्यालय के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं किताबें बेचने के, वे सरासर गलत हैं। किताबें 25 साल पुरानी बताई जा रही हैं।